चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगेन आपके पास ये रिवीजन सेशन चल रहा है। आज हम चैप्टर वाइज करने जा रहे हैं चेंज इन पीएसआर। पार्टनर्स वही हैं, बस ये आपस में कह रहे हैं कि हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, और इसके अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, आपके कुल मिला के देखा जाए तो इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर मैं इनको एक एक करके पिकअप करूँ तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सबसे बेसिक नया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस आज हम सारे कंप्लीट करेंगे। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा आप सभी इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 मार्क कर लीजिए। रिवीजन करके आपको ये वाला जाना है, इसके अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर्ड है इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अगेन बच्चों ये जो मैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ ये ऐसा है कि लास्ट मोमेंट आपको एक बार ही देख के जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ छोड़ छोड़ के इसी पे भरोसा करके जा रहे हैं, बाकी सब कुछ करिए। लास्ट मोमेंट एक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं सारे छांट के लेकर आया हूँ ये करने जाने आप। जैसे ये तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पे ना लैंग्वेज में बड़ा ध्यान रखना है। केस नंबर 1 कह रहा है जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स, और एक और लैंग्वेज आती है टेक्स 1/5 ऑफ एक्स। मैंने इसको जब क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ऐसा समझिए एक पिज्जा आता है बच्चों और तीन पार्टनर्स हैं कृष्णा, ऋषिद और सायरा। ये पिज्जा को खा रहे हैं, 5 स्लाइस ये खा रहे हैं, 3 स्लाइस ये खा रहे हैं और 2 स्लाइस ये खा रहे हैं। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जेड पार्टनर जो है वो 1/5 खाएगा, तो वो 1/5 किसका कह रहा है, पिज्ज़ा का, और ये 1/5 पिज्ज़ा का ये किससे लेगा, एक्स से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/5 के से एक्स से माइनस हो जाएगा और सायरा के प्लेट में उतना ही प्लस हो जाएगा, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। समझ में आया? जबकि केस नंबर 4 के अंदर लैंग्वेज क्या कह रहा है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पार्टनर क्या बोल रहा है आइए देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों रेशियो है 5, ओल्ड रेशियो 5:3:2। लैंग्वेज क्या कह रही थी कि जेड जो है 1/5 शेयर टेक करेगा एक्स का, मतलब एक्स की थाली में जो पिज्ज़ा पड़ा है ना, एक्स की थाली में कितना पिज्ज़ा पड़ा है, 5/10, इसका हाफ, सॉरी कितना लैंग्वेज लिखा था, इसका 1/5, इसका 1/5। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो गया, 5/10 × 1/5। समझ रहे बच्चों? तो इसका ऑफ और फ्रॉम, इसका डिफरेंस। नेक्स्ट इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ था कि y का भी ऑफ 1/6 लेगा, मतलब y के थाली में जो पिज्जा पड़ा हुआ है उसका 1/6 खाएगा। तो ये कैसे निकल के आ जाएगा बच्चों, 3/10 × 1/6। यहां से जो माइनस हुआ यहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहां पे की टर्म्स क्या हाईलाइट करने हैं, फ्रॉम, ऑफ। अगला इसके अंदर लिखा हुआ है बच्चों और भी केसेस है, जेड टेक्स 1/5 शेयर, तो पिज्जा का 1/5 खाएगा जो एक्स और वाई से इक्वली लेगा। तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा ये देखिए, 1/10 यानी कि 1/5 का हाफ। तो इसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट केस नंबर 3, अ न्यू एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो इक्वली हो जाएगा, ये तो बड़ा ही सिंपल है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। अगर यही आप न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रहा है तो गेन। समझ में आता है यहाँ तक? तो मेरे को लगता है कि एक यही क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाएगा। सेकंड, यस, इसके बाद आते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
26 लास्ट क्लास में हमने पूरा का पूरा रिकैप किया था भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स का। आइए इसको आगे लेके चलते हैं, आइए इसको आगे लेके चलते हैं। अब बच्चों गुडविल ना दो तरीके का होता है, इसका पहले मैं नोट लिखने लगा हूं पूरा का पूरा, फिर आपको कॉपी करने के लिए देंगे। पहले सुन लीजिए, गुडविल दो तरीके का होता है। एक गुडविल जो बैलेंस शीट में आ रहा होता है, जिसको लास्ट क्लास में हमने किया था, इसे क्या बोलते हैं, परचेस्ड गुडविल। और एक गुडविल कौन सा होता है, जो वैल्यूड होता है, गुडविल वैल्यूड जो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होता, आउटसाइड बैलेंस शीट होता है। इसका एंट्री क्या होगा, राइट ऑफ वाला एंट्री होगा, राइट ऑफ वाला एंट्री हो जाएगा। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल। और इसके अंदर क्या एंट्री जाएगी बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इसका रेशियो कौन सा लेके चलेंगे, गेनिंग रेशियो, इसका रेशियो लेके चलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आता है, तो आप इसका गेनिंग रेशियो, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर बच्चों मैं इसको यहां पे बना के समझाऊं, ये सब कुछ तो लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ मार्क नहीं कर रखा मैंने, मेन आती है ये एंट्री। ये कौन से वाला गुडविल है बच्चों, इसके साइड पे लिखिए, दिस इज द गुडविल, लिखो Not appearing in balance sheet. हो रहे पार्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग। ये सेकेंड वाला है जो बैलेंस शीट के बाहर, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बना लीजिए, बैलेंस शीट के बाहर वाली की बात चल रही है। कई बार इसकी लैंग्वेज कैसे लिखी होती है, गुडविल इज वैल्यूड एट, तो गेन इनटू साइड, अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो, अगर फिक्स्ड है तो बच्चों करंट लिखना जरूरी है। यहाँ पे आपका एग्जामिनर वन मार्कर में दे सकता है क्वेश्चन, और यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है कि अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल यूज हो रहा है, यही फिक्स्ड है तो करंट यूज होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग हम रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, इसके कोई मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क नहीं करे, मुझे नहीं लगा इतना कुछ मुश्किल था। एक रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ भी लिखता हूँ अभी, एक ये वाला मार्क करिए बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट, तो इसको भी हाईलाइट करिए। ये कौन से वाला गुडविल है बच्चों, जो बैलेंस शीट में अपियर हो रहा होता है, दिस इज द गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट, दिस इज द, एक सेकेंड, गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट। तो जैसे ही बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, चुपचाप उसको देखते ही क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं चलाना है। बोलिए, कुछ स्कूल्स में करवाया गया, वैसे हटा हुआ है टॉपिक, कुछ स्कूल्स में करवाया है, बताइए, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वैसे नहीं है पार्ट, बट अगर करवाना है तो मैं करवा दूँ, नहीं हटा, कुछ स्कूल्स में करवाया है, मैं दो मिनट लगा के इसको समझा देता हूँ। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ इज नथिंग न्यू, ये आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले आपका ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया, गुडविल के दोनों एंट्री समझ में आ रही है। अब बच्चों इसके अलावा ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला, आइए इसको भी समझा देते हैं, दो मिनट लगेंगे। इनफैक्ट इसको ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इसके लिए हाईलाइट कर लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये स्पेसिफिकली रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ समझाने के लिए मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। यस, हाईलाइट करते जाइएगा जो जो इलस्ट्रेशन है। अब बच्चों इसके अंदर क्या करना है, देखिए, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये क्या हो गया मेरा ओल्ड रेशियो, उनका न्यू रेशियो इक्वल है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, कौन से वाला गुडविल है, बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट के बाहर वाला, बाहर वाला है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पहले तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, जो हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, अनु सैक्रिफाइस कर रही है 1/10 और बाला गेन कर रहे हैं 1/10, ठीक है, 4, 6, 7 1/10, ठीक है। तो अगर बच्चों इसकी नॉर्मली रेजिंग राइटिंग ऑफ भूल जाइए, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी होती तो क्या करते हम, बाला गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अनु 5,000 5,000, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये तो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है,
बच्चों अगर इसी चीज़ को रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में करना होता तो दो एंट्री में स्प्लिट कर दिया जाता है। कैसे? पहले गुडविल 50,000 से डेबिट होगा, फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे कितने से, 50,000 से। स्टेप वन, पहले गुडविल लेकर आओ, कौन लेकर आएगा, पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, और फिर राइट ऑफ करेंगे इन द न्यू रेशियो। बस ये है रेजिंग राइटिंग ऑफ। तो अगर आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दोगे ना तो गुडविल से गुडविल कैंसिल आउट हो गया, अनु नहीं, अनु तो रह जाएगा ना, इसका 30,000 से 25,000 कैंसिल आउट होके 5,000 रह गया क्रेडिट में, बाला कैंसिल आउट होके 5,000 रह गया, तो नेट इफेक्ट बच्चों कितने का रह गया, ध्यान से देखिए नेट इफेक्ट कैसे रह गया, अनु कैपिटल टू अनु 5,000, बोलो हाँ या ना, और बाला डेबिट कितने से, 5,000 से। तो घुमा फिरा के एंट्री तो वही बन रही है ना, बाला टू अनु। तो इसी का ऐसा समझ लीजिए एक एडवांस्ड वर्जन हो गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का ही क्या है, एडवांस्ड वर्जन है। कुछ नई बात कर रहा है नहीं, बाई चांस आ जाए तो आपको रेडी होना चाहिए। तो इसकी अगर मैं एंट्री दोबारा से रिपीट करूं, कुछ नहीं है, घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। लिखिए इसको जैसे मैंने लिखा हुआ है, पहले इसकी एंट्रीज भी मार्क कर लीजिए बच्चों पिछले पेज पे। गुडविल लेकर आएंगे, गुडविल टू पार्टनर कैपिटल इन व्हाट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर गुडविल को राइट ऑफ करेंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो नथिंग न्यू, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही निकल के आ रहा होता है। तो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ इज नथिंग न्यू, सिर्फ ये रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का ही एक छोटा वर्जन है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फटाफट से इसको हाईलाइट करिए और ये इलस्ट्रेशन के अंदर इसको लिख लीजिए, ताकि आप एक इलस्ट्रेशन भी करके जाएं टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपको आना चाहिए। मानता हूं कि डिलीटेड है, बट स्कूल्स में करवा रहे हैं तो सेफ्टी साइड के लिए करना जरूरी है। बताते जाइएगा इनको। अगेन इसके अंदर ना बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। आइए हम एक और पार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक इसके टॉपिक्स अगर देखें, हमने इसके अंदर से टॉपिक क्या क्या कर लिया है, बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहला टॉपिक कर लिया, दूसरा टॉपिक कर लिया, अब हम रिजर्व्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में रिजर्व्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो कुल मिला के 4 तरीके के रिजर्व्स के पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या है ये? एक तो PNL क्रेडिट बैलेंस वाला पॉइंट, एक PNL डेबिट बैलेंस वाला यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस वाला पॉइंट, एक IFF वाला पॉइंट और एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाला पॉइंट। तो कुल मिला जुला के आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं रिजर्व्स के इस चैप्टर के अंदर। अगर ये 4 पॉइंट्स क्लियर हैं तो ये वाला टॉपिक भी आपका डन है। बट एक बार रिकैप करते हैं ढंग से। तो पहला, एक एक करके टॉपिक को अगर ब्रेक डाउन करें, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, तो बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके अंदर पहला वाला है रिजर्व्स की बात। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। देखिए, जब हम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया कि एक होता है प्रॉफिट्स वाला पार्ट। इस प्रॉफिट्स के ना अलग अलग नाम हो सकते हैं। इस प्रॉफिट्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं बच्चों? PNL, इसको ना कहाँ लिख सकते हैं आप? थोड़ा सा चार्ट वार्ट बनेगा ना, थोड़ा सा चार्ट बनवाना है मुझे, सीधा वर्कमैन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कहीं जगह ढूंढ के थोड़ा सा पहले देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से जगह बना लीजिएगा। प्रॉफिट्स के अंदर PNL क्रेडिट बैलेंस ये वर्ड लिखा हो, कंटिंजेंसी रिजर्व ये वर्ड लिखा हो, जनरल रिजर्व ये वर्ड लिखा हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये लिखा हो, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये सभी पाए जाते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा ये। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो, दैट इज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो चुपचाप इसको क्या करेंगे?
राइट ऑफ कर देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो. इसके वर्डिंग या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा या फिर ऐसे लिखे जाते हैं, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो यही करना है. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, पीएनएल अकाउंट डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखा है टू पार्टनर कैपिटल. क्या ये समझ में आया? बट कई बार ही क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, या फिर ऐसे लिखा होता है पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर बैलेंस शीट में ये कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगा. तो यहां पे इसकी एंट्री क्या आ जाती है, गेनिंग टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग. ये तभी करना है बच्चों जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो. अगर स्पेसिफिकली ये वाला हिस्सा नहीं लिखा है तो नहीं करना है ये वाला हिस्सा. ये लिखा होगा स्पेसिफिकली तभी, वन या टू मार्कर में आ सकता है. आपको एक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हाईलाइट करके लेकर आया हूं कि कैसे वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है एग्जाम में. ये वाला फटाफट से चार्ट बना लीजिए, ये जनरल रिजर्व के ऊपर ही बेस्ड है. फटाफट से इस चार्ट को बनाइए. हाँ उल्टा हो जाएगा. जगह देख लीजिए कहाँ पे जगह दिख रही है और इसको अकॉर्डिंगली बना लीजिए. कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप, वैसे कैश से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ओपन है अजम्पशन. नेक्स्ट बच्चों सेकंड एडजस्टमेंट. ओके इनको, हाँ डन, कोई डाउट्स? ठीक है, अब इनको जर्नल का टारगेट दीजिए. देखो जितना टाइम लगेगा लगेगा, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा उसको, लग जाएगा. नेक्स्ट बच्चों, अब इसी के अंदर पॉइंट नंबर टू आ जाता है, किसका एडजस्टमेंट, लॉसेस का. अपना सारा पहले समझ लीजिए कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, वैरायटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके मैं अलग अलग नाम लिख के लेकर आया हूँ, प्लीज़ इधर देखिएगा. लॉसेस के क्या क्या नाम हो सकते हैं, लॉसेस कह लीजिए या इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लीजिए, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, पीएनएल डेबिट बैलेंस, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एक और नाम होता है फिक्टिशियस एसेट्स. ये कहां पाए जाते हैं बच्चों, ये सब पाए जाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड के ऊपर. इनके भी सेम तरीके से दो ट्रीटमेंट होते हैं. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ,
अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही देखते ही राइट ऑफ, क्या पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएनएल डेबिट बैलेंस लॉस। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पार्टनर्स डिसाइड टू व्हाट कैरी फॉरवर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट, यहाँ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग। ये समझ में आई बच्चों बात, क्लियर होती है यहाँ तक बात? हाँ जी। यस अकाउंटिंग, यस वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एक और नाम। फटाफट से इसको कॉपी करिए बच्चों, लॉसेस का फिर दो और है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला, वो भी रिपीट करते, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सही बात है, सही बात है। फटाफट से बच्चों नोट्स बनाइए, फाइनल नोट्स, ये आपके सारे कंप्लीट करके भेजना है। अच्छा हाँ, अभी आज करता हूँ, आजकल सबके रिविजन चल रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा आगे, एक मिनट रुकिए, जगह ना इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, वैसे आप थोड़ा वहीं पे मत करिएगा, इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ये रहा, थोड़ा सा जगह ढूंढ के ना यहाँ पे इसका रेलेवेंस ज़्यादा है, यहाँ पे पेज नंबर 3.19 ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साइड पे कॉपी करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेसिंग का देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखना है, लिखिए फटाफट से। जैसे लिख ले मुझे बताएं, लिख लिया। ठीक है, आइए अब वापस आते हैं बुक के ऊपर और एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इनको हाईलाइट करिए बच्चों, ये जर्नल एंट्रीज को। अब ना मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरा एक गो में लेके चल रहा हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करते थे बच्चों, रिजर्व, इसको जूम इन करते हैं थोड़ा, रिजर्व डेबिट पीएनएल क्रेडिट डेबिट, इन दोनों को अभी रोकिए, ये मैं अभी करवाऊंगा, दिस इज स्पेशल आइटम्स टू पार्टनर कैपिटल। अच्छा, अगर यही आपका अक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है तो इसी का उल्टा दिस टू पार्टनर डेबिट हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है बच्चों, प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लॉस से पार्टनर का कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। अब कैपिटल या करंट वो डिपेंड करता है फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग के ऊपर, समझ में आया यहाँ तक? इसकी मैंने कोई इलस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं मार्क करी है। फिर अब सीक्वेंस में चलते हैं बच्चों, पहला स्पेशल आइटम किस चीज़ का है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स का। इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 10 ढंग से कर जाइएगा, अगेन 2 मार्कर 1 मार्कर टाइप में आ सकता है, पेपर्स वगैरह आपके जब होंगे तो स्कूल में यही पूछ रहे हैं ज़्यादातर, 1 मार्कर्स के अंदर लंबा सा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे टाइप के होते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, आइए एक एक करके सारा का सारा ट्रीटमेंट समझते हैं। राम श्याम मोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3:4, इसका रिजर्व बना रखा पहले से। अब बच्चों रिजर्व बना रखा है और एक होता है टर्मिनोलॉजी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। वर्कर्स कोई लायबिलिटी या क्लेम तो नहीं रेज कर रहे, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर क्लेम के रिगार्डिंग, तो ये पूरा का पूरा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर राइट ऑफ हो जाएगा। या क्वेश्चन अगर बोल दे कि देयर इज नो क्लेम तो भी सेम ट्रीटमेंट, ये पूरा का पूरा ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम देखें नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ऐसे राइट ऑफ हो गया, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्योंकि आगे तक चलेगा एडमिशन रिटायरमेंट सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये भाषा अपने दिमाग में डालनी है। सेकंड भी केस सेम। नेक्स्ट, व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 45, मतलब रिजर्व हमारा 90 का है बट क्लेम हमारा कम का है, तो क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर क्लेम रेज कर देंगे 90 का, सॉरी
रिजर्व 90 का डेबिट कर दिया, 45 का क्लेम बैलेंस शीट के अंदर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 45 का दिख रहा होगा, नई जो बैलेंस शीट बनेगी, और बाकी बचा हुआ 45,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, इसके अलावा केस नंबर 5 देखिए पहले, 90 का रिजर्व, 90 का क्लेम पूरा का पूरा लाइबिलिटी में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम्स, काम खत्म। अगला बच्चों, यहाँ पे ये अच्छा केस है कि क्लेम ज़्यादा का बन गया, 99,000 का। तो पहले तो हम क्या करेंगे इसके लिए समझिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 90,000, लाइबिलिटी 99 की है, तो 9,000 रुपये रिवैल्यूएशन डेबिट कर देगा। अब इस स्टेज पे आपको रिवैल्यूएशन भी पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन की हमने कुछ ऐसे भाषा यूज़ की थी कि यहाँ पे सारी कौन सी बातें आती है डेबिट साइड पे, गंदी बातें, और यहाँ पे सारी अच्छी बातें। तो जो आपके रिवैल्यूएशन को घटाएगा वो इधर, जो बढ़ाएगा वो इधर। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है कि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हेंस ये रिवैल्यूएशन इस साइड पर चला जाएगा। जा रहे बच्चों दिमाग में? और इसका ना ये राइट ऑफ वाला एंट्री भी अब आप दिखाने की पोजीशन में है। जब मैंने इनिशियल डेज में करवाता ना तब नहीं समझाता, तब आप थोड़े नए नए होते हैं, अब आप पूरा बुक करने के बाद अब आप रेडी हैं, जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में फीड होना चाहिए। मतलब पेपर में अगर आए तो दोनों एंट्री करके दिखा दो, सेफर साइड के लिए ये भी करके दिखाई दो, छोड़ना ही नहीं है कि टीचर नंबर काट सके। क्लियर? एक और स्पेशल केस आता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का। इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन मार्क कर रखा है, जो आप जरूर करके जाएं ताकि आपको सारे केसेस रिवाइज हो जाएं। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11, इससे आपको सारे केस रिवाइज हो जाएंगे। गौरव, सौरव, कबीर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, दिस इज ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं? कि हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट है, चेंज हो सकती है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2,00,000 का है, ये बढ़ जाए तो ये तो अच्छी बात है, बट अगर घट जाए, इस घटने के लिए 18,000 का रिजर्व हमने रेडी रखा हुआ है। तो इसके केसेस क्या हैं? पहला केस, अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा, या फिर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 2,00,000 कॉस्ट के बराबर ही है, तो आपका ये पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको केसेस में डिवाइड करूँ ना, तो ये एक ही है, तो इसकी एंट्री बन जाती है बच्चों क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, केस वन, केस टू सेम। नेक्स्ट, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 191, मतलब मार्केट वैल्यू गिर गई है बच्चों, कितने से गिर गई है? 9,000, बट हमारा रिजर्व कितने का है? 18,000 का। तो हम क्या करते हैं, पहले तो रिजर्व को डेबिट कर देते हैं 18,000 से, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते हैं 9,000, क्योंकि एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट हो जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, सॉरी मॉडर्न अप्रोच, डेबिट क्रेडिट रूल। तो बाकी बचा हुआ 9,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कृष्णा बाबू? नेक्स्ट, इसके अलावा अगला केस, अब बच्चों इसको रोकिए, पहले हम ये वाला केस देखते हैं। यहाँ पे कितनी गिरावट आ गई? 27,000 रुपये की, बट रिजर्व तो 18,000 का है, तो बाकी जाएगा रिवैल्यूएशन में। क्या रिवैल्यूएशन की राइट ऑफ की एंट्री दिखाओगे पेपर में? बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18, इन्वेस्टमेंट 27, रिवैल्यूएशन के अंदर 9,000, और ये बुरी बात है तो पार्टनर के अंदर राइट ऑफ करके भी दिखा। इसी तरफ से दूसरा बच्चों, व्हेन मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ये बढ़ गई है, तो इसके अंदर तीन एंट्री आनी है इसके अंदर। क्या क्या एंट्री आएगी? पहले तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरा का पूरा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ाएंगे, और रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात है, बट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गंदी बात है कि तीन एंट्री डालनी है आपको पेपर में, ठीक है ना? वैसे अच्छी बात है कि भाई इन्वेस्टमेंट जितनी सोची थी उससे मार्केट वैल्यू बढ़ गई। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये चल क्या रहा है कि भैया आप जब चेंज कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करें, तो रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमने यही करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवाई है मैंने, इसका भी हालांकि मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। ये देखिए, ये नोट मार्क करिए बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला नोट मैंने पीछे चार्ट के थ्रू समझा दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ये फॉलो करना है इफ ओनली, या फिर ऐसे लिखते हैं इफ स्पेसिफिकली मेंशनड, अगर स्पेसिफिकली मेंशनड होगा सिर्फ और सिर्फ तभी हमने ये करना है, वरना ये नहीं करना है। पढ़िए ध्यान से, एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेस, कीवर्ड्स क्या हैं, व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। जब आप पार्टनर चाह रहे हैं कि भैया एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखना है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो पार्टनर्स आपस में लेना देना करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। द पार्टनर डिसाइड, और क्या वर्डिंग लिखी हो सकती है, मे डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंसेज ऑफ पी एन एल और रिजर्व बी कंटिन्यूड एट टू एग्जिस्ट एट सेम अमाउंट, हाउएवर पार्टनर्स आर एंटाइटल टू शेयर द दिस जो भी, देयरफॉर टू गिव द इफेक्ट ऑफ द फॉर द नेट इफेक्ट ऑफ द रिजर्व अक्यूमुलेटेड दिस, इसके कीवर्ड्स हाँ, द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, यानी कि बैलेंसेज बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेंगे, बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स लिखिए बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले सुन लीजिए, हम निकालते हैं पहले नेट इफेक्ट। ये नेट इफेक्ट इज द टोटल ऑफ ऑल रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सबका टोटल करके रिजर्व्स निकाल, नेट इफेक्ट निकालते हैं। अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर यही नेगेटिव आ गया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। क्या ये समझ में आई बच्चों बात, इस चीज को हाँ हाँ करवाऊंगा, क्वेश्चन मैंने इसका हाईलाइट कर रखा है, इसको मैंने पीछे आपको एक तरीके से समझाया था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कब, जब पीएनएल वाला था, बट एग्जाम में ना क्वेश्चन मर्ज्ड आता है, तो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि पार्टनर चाह रहे हैं कि एडजस्टमेंट करना, बट उसको करने के लिए क्वेश्चन आएगा एक, जिसका मैं मार्क करवाऊंगा, इसके नीचे ना ये लिखिए सारा, ये लिखिए सारा, जगह ढूंढिए कहाँ पे है और ये लिखिए सारा, ये इंपॉर्टेंट नोट है। पार्थ कोई डाउट, डन। अब इसके लिए ना रिवीजन के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको मार्क कर रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये बढ़िया है, इसको करके जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। आइए, करीम सलीम रहीम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस, ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, दिस इज न्यू रेशियो। उनकी किताबों में, अच्छा ये पढ़ी, इसको अंडरलाइन करिए, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री,
इन सबसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। अगर ये ना मेंशन किया होता तो इन सबको क्या करते बच्चों, चुपचाप राइट ऑफ करते चले जाते। इन सबको क्या करते, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, इसको क्या करते, क्रेडिट पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देते। ये समझ में आ रही है बात? अब क्योंकि ये लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये देखिए, ये सारी तो अच्छी बातें हैं, ये बुरी बात है, तो इन सबको हम प्लस करते हैं। 1.5 लाख प्लस 25 प्लस 50 प्लस 75 3 लाख आया। इसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट वाला बैलेंस माइनस किया तो 2 लाख। दिस इज नेट इफेक्ट या नेट अमाउंट। अब पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसको हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसको निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग आ गया करीम और गेनिंग आ गया रहीम। आप समझ में आया? तो ये एक क्वेश्चन कर जाइएगा, कई बार तो मैं देखता हूं कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्कर टाइप में, तो उसको फास्ट, फिर प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, फिर क्या मैटर करता है, आपको टेक्निक आता नहीं, फास्ट करके आपने रफ में किया खत्म, उसके अंदर टेक्निक ज्यादा मैटर करता है। अगर ऐसे इतना लंबा आ रहा है फिर तो वर्किंग का ऑब्वियसली बात है नंबर नहीं आएगा। एक ना ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, हालांकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आप एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू काम कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर विल कंटिन्यू टू बी शोन एट देयर ओल्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। अगर आप सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं तो ये चलेगा कंटिन्यू। ये समझ में आता है बच्चों? नेक्स्ट, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ये टॉपिक चलता चला जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। कई बारी बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं डिसोल्यूशन के रियलाइजेशन के साथ, बट दोनों बड़े अलग अलग है, नहीं होता है? अभी आपने किया तो बस, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक, बच्चों हाईलाइट करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे ये बात बताओ, PNL के डेबिट साइड पे क्या आता है? बोलो बच्चों, इतना तो पता होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर ये है, लिखने से पहले तुमने सुने तो खर्चे आते हैं सारे और इधर सारी इनकम्स आती थी। ये फॉर्मेट आपने याद करना है, ऑब्वियसली बात है, स्टार लगा रहा हूँ मैं इस पर, मतलब अगेन ये टिक लगाइए। अब PNL एडजस्टमेंट में यहाँ पे सारी कौन सी बातें आएंगी जो बुरी बातें, जैसे एसेट का कम हो जाना, लाइबिलिटी का बढ़ जाना, कोई नया लाइबिलिटी मिल जाना, न्यू लाइबिलिटी। ये दोनों क्या है ये मैं अभी समझाता हूँ। जब हमने इनिशियली किया होगा तो मैंने इतना ज़्यादा डिटेलिंग में ऐड नहीं किया था, बट डिसोल्यूशन करने के बाद ये भी समझ में आएंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, अच्छी बात है, एसेट का बढ़ जाना, लायबिलिटी का कम हो जाना, कोई नया एसेट मिल जाना। लिखो बच्चों ये सब, लिखो एक बार, याद रहेगा, करा तो सब हुआ है, बस एक बार याद ही करना है ना, लिखो साथ साथ में, घिसाओ हाथ घिसाओ, तभी दिमाग में जाएगा ना फाइनल टचेस, वरना तो मैं ही आके बोल रहा हूँ, मैं ही आके रिवाइज करके आता हूँ, आप सब तो आ जाते हैं बस। सही बात है ना कृष्णा, वो भी लेट, वो तो कभी कभार लेट होते हैं, उनको भी आप ही ने बोला होगा लेट आई हो आज। ये एडजस्टमेंट की क्या एंट्रीज है अभी समझाते हैं। फाइनली जो प्रॉफिट इधर बच रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो प्रॉफिट इधर बच रहा है तो लॉस, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब बच्चों इसका ना जर्नल एंट्री भी आ सकता है। मुझे ये बात बताइए, अगर इसकी जर्नल एंट्रीज मुझे बनानी हो, इसको अगर मैं 2 मिनट के लिए पेंडिंग में डालूं, 2 मिनट के लिए, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, रिवैल्यूएशन टू एसेट, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। आ रहा समझ में? अगर इसी का उल्टा करना हो, एसेट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन, ये पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो अगर इसके जर्नल एंट्रीज आपके पिछले पेज में गिवन है, एक बार अगर फॉर्मेट समझ में आ गया, तो यही सारी उसकी क्या है, जर्नल एंट्रीज है। तो फॉर्मेट याद हो गया, मैंने इसको मार्क नहीं किया है, मैंने इसको स्टार नहीं लगाया, मैंने इसको स्टार लगाया है। अगर फॉर्मेट आता है तो जर्नल एंट्री बन सकता है,
बच्चा कहता है कि इसे जर्नल एंट्री करवा, जर्नल भाई फॉर्मेट आते तो उसे जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती, तो इलेवंथ का ये तो कॉन्सेप्ट है। लेजर बनाना आ गया आपको, अकाउंट बनाना आ गया, आप कह रहे हो एंट्री नहीं आता, फिर तो जाइए इलेवंथ में। ये तो बेसिक चीज़ है, फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो पूछ लें। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ना एक छोटा सा पॉइंट मैंने पेंडिंग करवाया था, ये बहुत बार मैंने देखा बच्चे छोड़ के जाते हैं, इसके रिगार्डिंग दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं, और ये इसके साइड पे लिखिए सिमिलर टू, लिखिए सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, चैप्टर नंबर लिखो साइड पे 7, मिलता जुलता लगेगा आपको पढ़ते। अगर आपने डिसोल्यूशन पढ़ रखा है तो उससे एकदम मिलता जुलता लगेगा, भैया ये तो पढ़ रखा है ऑलरेडी। आइए समझाता हूँ बच्चों, मुझे ये बात बताइए, जब आप किसी एसेट का या लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो क्या खर्चा आता है? यस, खर्चा कौन पे करेगा? फॉर्म पे करेगा। तो अगर फॉर्म पे करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि खर्चा कहाँ चले जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो एक तरीके से पीएनएल टू कैश की बात ही चल रही है ना। ये एंट्री समझ में आया? तो ये एंट्री हो गया हमारा टू कैश वाला। नेक्स्ट, अब बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने किसी पार्टनर को रख लिया और पार्टनर को बोला कि भाई तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी क्या है कि तेरे को ये डिसोल्यूशन टेक ओवर करना, मतलब सॉरी रिवैल्यूएशन टेक ओवर करना, दे रहे डिसोल्यूशन जा ही नहीं रहे, तो तेरे को ये रिवैल्यूएशन करवाना है, तेरे को हम सैलरी दे देंगे। याद करी एग्जाम्पल, सायरा को हमने पकड़ा, हमने बोला ये ले 15,000 रुपये, जो ऐश काटनी इसी में कटेगी, याद है? तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं पार्टनर को, तो रिवैल्यूएशन टू कैश नहीं होगा, टू पार्टनर कैपिटल, कि कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे भाई तेरी रेम्यूनरेशन। तो इसके अंदर एंट्री हो गई बच्चों क्या, पार्टनर कैपिटल। समझ में आया? आखिरी वाला केस बच्चों याद करिए, ये है फर्म और ये है पार्टनर, ये थे डिसोल्यूशन के एग्जाम्पल में सायरा, सायरा यानी कि फर्म, और ये थे तारुष। बर्थडे तारुष का, तारुष कौन है? पार्टनर। बर्थडे तारुष का, तारुष ने बर्थडे पार्टी दी, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? तारुष उठाएगा, बाकी सभी आएंगे खा पी के चले जाएंगे, सही बात है नहीं है? क्या हमारे फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना देना है एंट्री के लिए? नहीं। दिक्कत तब आ जाती कि भैया ये पार्टी तारुष ने होस्ट करी, इस पार्टी का खर्चा इज टू बी बॉर्न बाय तारुष, बट जैसे आज तारुष किताब लाना भूल गए हैं, वैसे उस दिन अपना वॉलेट लाना भूल गए, सही बात है नहीं है? देखिए क्या बात, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल चल रहा है क्लास, तो वॉलेट लाना भूल गए, तो इन्होंने सायरा को बोला कि सायरा तू ऐसा कर, अभी के लिए तू पे कर दे, मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा। तो ये वाला केस क्या हो जाता है, इन केस माफ करिए, एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म, तो हम पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे यानी कि डेबिट कर देंगे, और हमारी जेब से कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो कैश रिड्यूस हो रहा है। तो देखा जाए, तभी मैंने यहाँ पे ना साइड पे लिखवा दिया सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस चैप्टर 7, पढ़ते ही लग रहा है कि भैया ऐसा कुछ कहानी पड़ी हुई है। मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया था, आपने लेक्चर देखा नहीं होगा ना, उस दिन आप आए थे बैठ के चले गए थे, तो सब याद है मुझे, लेक्चर ही नहीं देखा है तो एग्जाम्पल कहाँ से याद आएगा? समझ में आया ये, या अभी मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊँ? बेसिकली डिसोल्यूशन के अंदर हमने 5 केस किए थे, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, डिसोल्यूशन में हमने ना 5 केस किए थे, जिसमें से 3 केस यहाँ पर रेप्लिकेटेड है, ठीक है ना? तो ये 3 केस इस चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है। दोबारा से क्या तो उसके अंदर तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना, तो नो एंट्री, इसी वजह से इन्होंने भी नहीं लिखा। तो ऐसा कह लीजिए 4 केस कवर हो गए, ठीक है ना, 1 केस कवर नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कह लीजिए। तो ये वाला आपका बन जाता है। अब बच्चों आइए एक एक करके ना इसके अंदर
क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा हाईलाइट नहीं करे, मुझे लगा ये वाले क्वेश्चंस रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टेंशन का माहौल नहीं है। एक आधा पॉइंट बस मुझे ये लगा बच्चे, मैंने सारी एक एक इलस्ट्रेशन का इस चैप्टर का पढ़ा बैठ के कि कोई ऐसा वर्डिंग तो नहीं है जो तंग कर सके, बस मुझे एक ये लगा अ क्रेडिटर ऑफ 5000 नॉट टू क्लेम हिज ड्यूज। कई बार बच्चा इसको पढ़ के दिक्कत में आ जाता है, इट इज़ टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब रिटर्न ऑफ ही होता है। क्रेडिटर्स अब कह रहे हैं हमें आपसे पैसा चाहिए ही नहीं। अच्छी बात है बुरी बात है? क्रेडिट साइड पर अच्छी बात है, तो सारी अच्छी बात है। पीएनएल रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे भैया, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक इसको हाईलाइट कर लीजिए, मुझे लगा ये एक एंट्री तंग कर सकती है। बस इसके अलावा कोई ऐसी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं लगी। एक ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने मार्क कर रखा है। अच्छा, इसके अंदर भी वो वाला कॉन्सेप्ट, यस ये वाला जरूरी है, बताता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, इम्पॉर्टेंट। इसको ऐसे समझिए, मैं ऐसे समझाता हूँ, पहले समझ लीजिएगा। जैसे हमने रिजर्व्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा, वैसे ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन में भी आता है। किस सेंस में? कि जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं रिवैल्यूएशन का, या तो आपका प्रॉफिट आएगा या रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम न्यू बैलेंसेस या रिवाइज्ड बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाना चाह रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर आपका प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो गई? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल, अभी अभी पढ़ा हमने। और अगर इसी केस के अंदर लॉस आ जाता है, तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, या कुछ वर्डिंग ऐसे लिखे हो कि नए बैलेंस शीट में नए बैलेंसेस या रिवाइज बैलेंसेस दिखाने हैं, बट जैसा हमने रिजर्व में पढ़ा था, अगर पार्टनर्स एग्री कर लें कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, बट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ये तभी है जब स्पेसिफिकली लिखा हो। जैसे यहां पे देखिए वर्डिंग, व्हेन रिवाइज्ड चेंज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। पार्टनर्स कह रहे हैं भाई हमें सिर्फ क्या करना है, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री तो रिवैल्यूएशन, हाँ वेरी गुड, ये भी पॉइंट लिखवा देते हैं। पॉइंट नंबर वन, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डिटरमाइन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही डिटरमाइन होगा। मोबाइल रख दीजिए जल्दी उल्टा करके। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका वही है। इसको प्लस माइनस के फॉर्मेट में ले जाइए, यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। अगर ये नेट इफेक्ट या तो प्रॉफिट जनरेट करेगा, यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यानी कि लॉस जनरेट करेगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, फटाफट से एंट्री बताइए बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब बच्चा कह रहा है अब तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कई बार ना स्किप हो जाती है बातें, और यहाँ पे हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग टू गेन। क्या ये पूरा चार्ट समझ में आया बच्चों? अब ये वाला जो चार्ट है, इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आइए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर कॉपी करने का टाइम देते हैं। मैंने इसके लिए कौन सा इलस्ट्रेशन मार्क कर रखा है? इलस्ट्रेशन नंबर 22, इसको मार्क करिए बच्चों, ये करके जाना है। यस, वो कर लीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला तो नोट है, ये तो नोट है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मुझे इतना हैवी नहीं लगा। मैंने एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के देखी, मुझे एडजस्टमेंट भी नहीं लगी कि आपको मैं बोलूँ। हो सकता है एडमिशन या रिटायरमेंट में मैं कुछ मार्क करवा दूँ, बट यहाँ पर नहीं लगी। नेक्स्ट, अब ये देखिए, यस, सीता रीता गीता आर शेयरिंग प्रॉफिट्स। दिस इज ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो। अब पता कैसे लगेगा बच्चों कि हमने ये करना है या ये करना है? इसकी वर्डिंग्स पढ़ के पढ़िए मेरे साथ साथ। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन।
विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट इन. क्लियरली तो बोल रहा है, बताइए लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है. प्लस प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिर रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? माइनस. क्रेडिटर्स गिर रहे हैं, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस. पांच हजार से क्रेडिटर गिर रहे हैं ना, तो नेट गेनिंग आ गया इतना. सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा. एंट्री क्या बन गई बच्चों इसकी? गीता कैपिटल टू सीता कैपिटल. फटाफट से इस चार्ट को कॉपी करिए बच्चों, रिवैल्यूएशन वाला. फिर एक आखिरी पॉइंट रह गया है हमारा, क्या रह गया पॉइंट बच्चों? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. फिर ये चैप्टर खत्म है. कैपिटल एडजस्टमेंट्स रहने दीजिए फिर, बस इनका कंप्लीट आप काम पे पहुंचे. करिए बच्चों इसको कॉपी करिए फटाफट से. जाओ जाओ जाइए आप भी. कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. करिए बच्चों इसको कॉपी मारिए, मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल रखिए जल्दी, मोबाइल बाद में यूज़ करिएगा, टाइम नहीं अभी. ये ना आपको लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए क्या क्या करके जाने बहुत काम आएगा. अभी इस तरीके से लग रहा होता है कि वही चीज़ रिपीट हो रही है. आपका इशू ऑफ शेयर्स और बुक थ्री हो जाने दीजिए, ये कुछ याद नहीं रहेगा आपको. उस टाइम पे क्या होता है कि ये बुक्स, ये जो वीडियोस बन रही है ना, उस टाइम पे ये वीडियोज़ बहुत हेल्प करेंगी. मतलब नो डाउट कि मैं भी अवेलेबल हूँगा, बट एक क्या रहता है कि वीडियोज़ बहुत हेल्प करती है उस टाइम पे. अब लास्ट मिनट अब क्या करें हम, होगा धीरे धीरे पिकअप करते हैं. अब जागे ही 3-4 महीने बाद है ना, 3 महीने बाद जागे थे ना आप 12th के अंदर, तो ऐसा बताया था आपने स्टार्टिंग में. डन, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट. लास्ट अगेन ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वगैरह हैं, दो ही इलस्ट्रेशन से मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ पॉइंट था. मैं सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के थ्रू ही पिकअप कर लेता हूँ. इसके साइड पे लिखिए बच्चों, यहाँ पे एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो थ्रू कैश अकाउंट, या फिर पॉइंट नंबर टू थ्रू करंट अकाउंट. अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि कैपिटल एडजस्ट करने हैं एज पर न्यू पीएसआर, और कुछ भी मेंशन्ड नहीं है कि कैश के थ्रू होगा या करंट के थ्रू, तो बाय डिफॉल्ट कैश के थ्रू ही होगा. अगर ये बोला गया है कि कैपिटल एडजस्ट जरूर करने हैं बट ये नहीं बता रखा कैश के थ्रू करें या करंट के थ्रू, तो कैश के थ्रू होगा एडजस्ट. लिख लीजिए इसको भी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट.
उसको हाईलाइट करेंगे दो मिनट में। आइए इसके ना दो इलस्ट्रेशन हैं, दोनों को मार्क करिए, 26 भी और 27 भी, ठीक है ना। बस फिर ये चैप्टर खत्म है, 26 और 27 दोनों। अब पहले मैं 26 पिक करने जा रहा हूँ, पहले मैं 26 पिक करने जा रहा हूँ। आइए पहले 26 पिक करने जा रहा हूँ। हिमांशी आप है हमारे साथ? Yes, sir. चलिए, पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स दिस, ये क्या हो गया बच्चों? ओल्ड रेशियो। मैं ना पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, साथ साथ में दिखा भी देते हैं। 2, 3, 4, 5 सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा अगर इसका कोई रिवैल्यूएशन नहीं कर रखा है तो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स, बच्चों देखते ही क्या समझ में आता है, कोई लाइबिलिटी एडजस्टमेंट वगैरह है, आराम आराम से देखें। ये देखिए ये रहा क्लेम, तो 2 लाख का, अरे वाह 2 लाख यानी कि एक्स्ट्रा क्लेम आ गया। तो बच्चों क्या क्या इफेक्ट होगा इसका? एक तो बैलेंस शीट में जाएगा ये 2 लाख का क्लेम, साथ ही साथ इन्होंने रिवैल्यूएशन बना रखा होगा तो 30,000 का क्लेम गया दिमाग में। क्रेडिटर्स के बारे में और कुछ लिखा है? फ्रॉम द अबव डेट, तो एक तो ये एडजस्टमेंट थी इसके अंदर, अभी क्रेडिटर के आगे टिक नहीं लगाते। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनरशिप डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो बच्चों इक्वल, और इससे हमें क्या समझ में आया न्यू रेशियो से? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकल के आ जाएगा, तो इसको भी चेक करवा देता हूँ वर्किंग नोट में। इन्होंने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल के रेडी कर दिया, तो ये गेनिंग है, ये गेनिंग है, और ये दोनों सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट आगे क्या आ गया बच्चों? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,70,000। देखते ही क्या समझ में आया, राइट ऑफ वाला है या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला है? क्योंकि बाहर है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की एंट्री आ गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो इसकी एंट्री तुरंत ही पास हो गई जर्नल एंट्री गुडविल के एडजस्टमेंट की, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। अब बच्चों कई बारी ना इसका ध्यान रखने वाला पॉइंट नंबर 1 ये है पोस्टिंग। बहुत बारी मैं बच्चों को देखता हूँ जब 4 पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं तो पोस्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले आपके क्यू और एस डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट, क्रेडिट, तो हम क्यू और एस के क्रेडिट साइड पे गए और यहाँ पे लिखा बाय पी एंड आर, क्यू और एस में लिखा बड़े ध्यान से अमाउंट्स। सिमिलरली यहाँ पे टू क्यू और एस लिखा, बट पी और आर क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, तो इनको डेबिट किया। समझ पा रहे हैं? कई स्कूल्स में ये भी बोला जाता है अलग अलग लिखो, टू क्यू टू एस, वो मत करिए, वो बड़ा तंग करेगा। एक ही एंट्री में कर दीजिए, वरना उसका रेशो निकालो, ये करो, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? नहीं, दोबारा से दिखाते हैं। ये एंट्री समझ में, कोई बात नहीं, ये एंट्री समझ में आती है, ठीक है। पी और आर क्या हो रहे हैं? डेबिट। मैं डेबिट साइड पे गया, पी और आर को डेबिट कर दिया, और इसको डेबिट कौन कर रहा है? क्यू और एस, ठीक है। दूसरी तरफ क्यू और एस क्या हो रहे थे? तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया जाके, और इसको क्रेडिट कौन कर रहे हैं? पी और आर। इसके अंदर करना ऐसे ही होता है, लिखते टाइम ना कई बार कन्फ्यूजन होता है, अभी देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, इधर उधर जा रहा है, करने पर जब आ रहे होते हैं तब वो एक गैप होता है। अरे बेसिकली समझ रहे हैं, मेरे को तो पता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, जब बच्चा लिखने बैठता है वो एक गैप आ रहा होता है, वो गैप प्रैक्टिस से ही एलिमिनेट होगा। मतलब मैं क्या मैक्सिमम करा सकता हूँ, रिविजन ये सब करवा सकता हूँ, बट वो लिखने से ही एलिमिनेट होता है, और यहाँ पे बच्चा अटकता है बहुत बार। तो ये पॉइंट मैं पहले बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, अब बाकी कुछ नहीं लिखा है, अब एसेट्स और लाइबिलिटीज एज इट इज़ बैलेंस शीट में चले जाएंगी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको एज इट इज़ हमने जाके बैलेंस शीट में लिख दिया, तो सब कुछ कर दिया। मेन हमने पॉइंट क्या पढ़ा? ये वाला, आइए इसको देखते हैं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश।
ये कैश वाला केस हो गया। तो अब एक एक करके बच्चों क्लोजिंग के अंदर कैसे होता जाएगा। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले पेपर में रिवैल्यूएशन क्लोज करिए। लॉस आ गया ओल्ड रेशियो के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये पार्टनर कैपिटल के अंदर गए बच्चों, ओल्ड रेशियो में इतना इतना चला गया। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये लाइन ना लिखी होती ये वाली, तो हम क्या करते बच्चों, सिंपली टू बैलेंस सीडी करके काम खत्म। बट क्योंकि वो लाइन लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक वर्किंग नोट ओपन करते हैं और ध्यान से देखिए। हम सभी पार्टनर्स का कैपिटल निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हो गया अगर मैं इसको समझाऊं? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब दिस माइनस दिस पी का आ गया, दिस माइनस दिस क्यू का आ गया, एंड सो ऑन। तो हमने चारों पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकाला। पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा, यही पार्ट पे पहुंचाने के लिए मैंने पूरी मेहनत की है। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाइए आप, हाँ उसको मार्क कर लीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकल के आ गया। तो स्टेप नंबर वन ये निकाला। स्टेप नंबर टू, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द न्यू PSR। तो इसको हमने न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक का अमाउंट कितना आ गया 342,500। और स्टेप नंबर थ्री, इसको जाके चुपचाप ऊपर लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, आपके पास कौन कौन से अमाउंट्स रेडी होंगे। रिवैल्यूएशन का रेडी है, ये वाला रेडी है, ये वाला रेडी है, ये वाला रेडी है, ये वाला रेडी है। कौन सा अमाउंट प्रैक्टिकली अभी आपने लिखा नहीं होगा? टू कैश बाय कैश। ये क्या है हमारे? दीज आर द बैलेंसिंग फिगर्स। अब ये कैसे निकलेंगे इसको भी समझ लीजिए, दो मिनट लगेंगे। इस साइड का टोटल किया और इस साइड का टोटल किया, इनके बीच का डिफरेंस निकाला। अगर डिफरेंस इस साइड पे बच रहा है तो इधर आ जाएगा। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, तो डिफरेंस सर्कल वाले पे फोकस करेगा, इधर आ रहा है। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का, ध्यान से, दो डब्बे बन रहे हैं तो बैलेंस यहां बच रहा है। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, तो बैलेंस यहां बच रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको कर दिया टू कैश बाय कैश। अगर ध्यान से इसको देखें तो अल्टीमेटली ये यहां पे जाना चाहिए, ये भी यहां पे जाना चाहिए। 186 प्लस 14,000, फर्म के पास पैसा आ रहा है, माइनस 38,000, माइनस 162,000, फर्म के यहां से पैसा जा रहा है, तो नेट इफेक्ट इस चैप्टर के लिए जीरो ही रहने वाला है। इस चैप्टर के लिए, आगे आने वाले चैप्टर में थोड़ा चेंज हो जाता है एडमिशन वगैरह में, फिलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए जीरो ही होगा हमेशा। ये होगा इसके अंदर, ऐसा ही होगा इस चैप्टर के लिए। इसी वजह से बैलेंस शीट में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब बच्चों ये तो हो गया कैश वाला केस। अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो और मेंशन हो, मान लीजिए पूरा क्वेश्चन सेम है, इसी के अंदर मैं समझाने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से, पेंसिल वेंसिल हो पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको बना लीजिएगा। मैं पूरा हटा रहा हूं, जो मेन मेन पॉइंट है उस पर ही लेकर आऊंगा। अब बच्चों दोबारा से, हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये सब आ गया। अगर क्वेश्चन में इसकी जगह करंट लिखा होता तो हम यहां पे क्या करते, उसी तरीके से बैलेंस निकालते, बस यहां पे ये ना लिख के इसकी जगह क्या लिख देते, टू करंट अकाउंट डैश डैश 38,000, मतलब नीचे ना लिख के ऊपर लिखते। ये भी प्रेजेंटेशन भी समझाई देते, फिर बाद में प्रेजेंटेशन में गड़बड़ करेंगे आप। जूम इन कर देता हूं। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे कैश ना लिख के करंट अकाउंट लिखते, कैश ना लिख के करंट अकाउंट लिखते। ये समझ में आ रहा है? अब बैलेंस शीट में जैसे हमने कैश को प्लस माइनस करा, नेट इफेक्ट तो जीरो था, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना। ये कैसे दिखाते हैं?
एक है रटने वाला तरीका। रटने वाला तरीका क्या है, ये हमारे लिए बन गया सीधा सीधा लाइबिलिटी, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, आर करंट, एस करंट 38,000, नहीं अलग अलग लिखना है 1,62,000, और यहां से ये यहां चला जाएगा पी करंट, क्यू करंट 1,86,000 और 14,000। तो बच्चों एक तरीका तो ये हो गया, ये सीधा सीधा नीचे चला गया। मैं एक बार इसका लॉजिक देने लगा हूं, अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, वरना तरीका यही है। इसका मतलब क्या है, मैं फर्म, आप पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को पैसा देना है या पैसा लेना है? फर्म को पैसा देना है, तो फर्म के, ठीक है, तो फर्म के लिए ये क्या हुआ, एसेट हुआ ना, कि मैंने तो लेना है ना आपसे पैसा, हैंस ये एसेट साइड पे दिखता है। इसका उल्टा, इसका उल्टा, मैंने, मैं फर्म, आप पार्टनर, मैंने आपको पैसा देना है या आपसे पैसा लेना है? देना है, क्योंकि देना है, इसी वजह से लायबिलिटी साइड पे। आया समझ में बच्चों? तो आप इसके अंदर हल्का सा ना ऊपर लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, वो पेंसिल से ना इसको कटिंग मत करिएगा, मतलब इस तरीके से लिख लीजिए ताकि कटिंग्स ना हो, और ये बना लीजिए पेंसिल से या जैसे भी। अगले क्वेश्चन में सेम वैल्यूज हैं, अलग हैं, इसको अगले क्वेश्चन में बना लीजिए आप। अगले क्वेश्चन में बनवा दूं, अगले में बना लीजिए। ये देखिए, इसको ऐसे बना लीजिए, हाँ, 27 के अंदर सब कुछ सेम है। ये रहा बैलेंस निकाला, ये चला जाएगा इधर, एरो बना दीजिए, और ये रहा एसेट, ये इधर चला जाएगा, ऐसे बना दीजिए। ये फर्म के लिए एसेट बन जाएगा और ये फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है ये, बना लीजिए एरो, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो दोनों में बस एक ही रखो, चलिए बैलेंस शीट के टोटल सेम हो जाएंगे। और हां, बस समझ गया, क्लियर हो रहा है बच्चों? ये ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? यस सर। चलिए,